ओके, तो ये है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M32 एंड ये अमेजोन पे अभी अभी लॉन्च हुआ है एंड अराउंड 15,000 रुपये में ये 4 GB रैम लेके आता है और मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर लेके आता है। एंड अगर आप सोच रहे हो इस फ़ोन के लेने की, तो मैं इसे अच्छी तरीके से इन डेप्थ टेस्टिंग कर चुका हूँ। अराउंड 7 दिन मैंने इसे एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर लिया है एंड इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक क्लियर आंसर देने की कोशिश करूँगा कि क्या ये फ़ोन आप लोगों के लिए बना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस डिस्प्ले से, तो यहाँ पर हल्की सी आउटडेटेड लगेगी आपको, यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, बट इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग ने कोई भी गलती नहीं की है। फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो फुल HD सपोर्ट की वजह से वाइड वन L1 का भी सपोर्ट है यहाँ पे, तो आपको स्ट्रीमिंग ऐप जो भी आप देखते हो, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Hotstar, वहाँ पे आपको फुल HD बहुत अच्छी क्वालिटी में चलेगा और इवन एमोलेड होने की वजह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स भी मिलेंगे। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आउटडोर में रिकॉर्ड किया है एंड अगर आप देखोगे कितनी कमाल की ब्राइटनेस है और आउटडोर में आप इसे इस डिस्प्ले को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो और व्यूइंग एंगल के बहुत अच्छे हैं। इवन वन UI के साथ ये जो इसका रिफ्रेश रेट है बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है और हल्की छोटी मोटी चीजें भी वो आपको काफी ज्यादा स्मूथ लगेंगी। तो वाटर ड्रॉप नॉच के अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि भाई डिस्प्ले में कोई भी इशू है। डिस्प्ले बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी के है, वन ऑफ द बेस्ट कहूंगा इस प्राइस में। बस वाटर ड्रॉप नॉच थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है एंड एक चीज जो मुझे सैमसंग की समझ नहीं आती कि यार छोटे छोटे ब्रांड्स अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली सैमसंग भी कर सकता है, कि 15,000 रुपए का ये फोन है, कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है स्क्रीन पे, ये एक बहुत अजीब बात है। इवन बॉक्स में कोई कवर नहीं दिया है। तो नया फोन लॉन्च होता है, लोग जब लेते हैं तो डेफिनेटली इतनी अच्छी जल्दी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होता यार कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर, टेम्पर्ड ग्लास। तो आई थिंक ये छोटी सी चीजें हैं जो ये कॉस्ट कटिंग तो नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट 15,000 रुपए वाले फोन में। सेम चीज आपको इसकी बिल्ड में भी देखने को मिलते हैं, पूरा ये प्लास्टिक का बना हुआ फोन है। डेफिनेटली अगर कोई और मटेरियल यूज करते हैं, मेटल या ग्लास, थोड़ा सा प्रीमियम फील होता और दिखने में भी अच्छा लगता और ज्यादा, लेकिन 6000 mAh बैटरी होने की वजह से आई थिंक वो नहीं जा पाए या सैमसंग जाता ही नहीं पहली बात तो। लेकिन हाँ, प्लास्टिक यूज किया है और उसकी वजह से फोन हैंडी तो हो गया है, आपको यहाँ पे काफी लाइट वेट ये फील होगा, इतना हैवी फील नहीं होगा ये फोन और इवन इन हैंड फील भी आसान है और सिंगल हैंड यूज अगर आप करना चाहते हो किसी फोन को तो ये भी अच्छा है। और एक चीज देखने की है कि यार 6000 mAh की बैटरी इसमें पैक किए हैं लोगों ने, फिर भी काफी स्लिम रखा है, तो दिखने में ठीक है, रेनबो इफेक्ट जो आ रहा है, कैमरा बम भी बिल्कुल नहीं है और जो इन हैंड फील है वो भी अच्छी है। बस हाँ, बिल्ड क्वालिटी पूरा प्लास्टिक का है तो इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं देता। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G80 जो प्रोसेसर दिया है और 4 GB रैम इसके लिए डे टू डे टास्क के लिए बहुत इनफ लगी मुझे, बहुत स्मूथ है। One UI जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, कोई भी एड्स मुझे ऐसे देखने को नहीं मिली, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ऐप ओपनिंग टाइम बहुत फास्ट है और कहीं पर भी UI के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों का ये टेंशन होता है कि यार सैमसंग के फोन नॉर्मल टास्क में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, बट ये फोन में आपको कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथ है। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो 4 GB वाला वेरिएंट है, 4 GB रैम है इसमें, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कम लगती है। वैसे तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में या पबजी कह सकते हो आप इसे, एंड 40 FPS इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन 11 FPS तक इसमें ड्रॉप हो जाते हैं अगर आप बूट कैंप पे लैंड होते हो और 11 FPS अगर आप समझ रहे हो तो मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि अगर आप हैवी गेमिंग के लिए इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो, पबजी, COD, फ्री फायर जैसी हैवी गेमिंग के लिए, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को अवॉइड कर देना। बिल्कुल भी हैवी गेम्स इस पर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इस पर हैवी गेम्स खेलें। एंड अभी तक अगर 1% भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं अपने पैसों से फ़ोन लेता रहूं और आपको एक क्लियर और ऑनेस्ट वीडियोस बनाता रहूं। अब कुछ छोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी गूगल डायलर देखने को नहीं मिलता है, सैमसंग का ही डायलर है, तो अगर आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अगले बंदे को पता ना चले वो इसमें आप कर सकते हो। और कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, यहाँ पे 2 माइक दिए हुए हैं ऊपर एंड नीचे एंड उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, सेलुलर रिसेप्शन भी अच्छा है। ये एक 4G फोन है, कोई 5G का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वो आपको साइड माउंटेड देखने को मिलता है, इतना ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन हाँ हर बार काम करता है और इतना स्लो भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक क्वालिटी का है और आपको कभी भी ऐसा नहीं निराश नहीं करेगा, बट फास्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं कि उंगली लगाते या हटाओगे तो खुल जाएगा, फास्ट इतना नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। बट बैटरी लाइफ जो है 6000 mAh वो इसकी एक बहुत कमाल का हाईलाइटिंग पॉइंट है। वैसे तो 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया है, वो भी बहुत परफेक्ट होता है क्योंकि ज्यादा बैटरी भी नहीं खाता और स्मूथ भी फील देता है, बट 6000 mAh बैटरी, क्योंकि मैं इस पर हैवी गेमिंग नहीं कर पा रहा था,
ट्राई की थी पबजी या BGMI खेलने का, लेकिन इतना स्मूथ नहीं चल रहा था। तो नॉर्मल डे टू डे टास्क अगर आप करते रहोगे तो 1.5 दिन आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत एक तगड़ी बात है। एंड बॉक्स में आपको 15 वोल्ट का चार्जर दिया है जो अराउंड 2 घंटे 40 मिनट में 0 to 100 से चार्ज करता है। तो चार्जिंग टाइम तो ज़्यादा है, लेकिन हाँ 1.5 दिन बाद आप चार्ज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भाई आसानी से आप कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो शुरुआत करेंगे सेल्फी कैमरे से जो कि इसकी मेन हाईलाइट होने वाली है। काफ़ी कमाल का है, मैं यही कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट की बेस्ट है इस प्राइस में सेल्फी कैमरा। 20 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है एंड फोटोज़ लेते हुए डिटेल काफ़ी कमाल की आती है। डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, स्किन टोन बहुत ही कमाल का है। ये आपको मैं एक पोर्ट्रेट शॉट वाली फ़ोटो दिखाता हूँ, कितनी कमाल की एज डिटेक्शन है। तो सिंपल एक लाइन में कहूँ वन ऑफ द बेस्ट, क्या सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा है 15,000 में जो आपको देखने को मिलता है। सैमसंग ने जो ऑप्टिमाइजेशन की है इस कैमरे में वो बहुत अच्छी है सेल्फी कैमरे में, और सेल्फीज अगर आप लेते हो और सेम चीज़ आपको वीडियोस में भी दिखती है। स्टेबिलिटी भी कमाल की है, स्किन टोन कमाल का है, टेक्स्चर जो आपके मतलब बियर्ड में ये सब बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट रखता है, तो डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। काश मैं सेम चीज़ पीछे वाले कैमरे से भी कह सकता। जो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वो तो आपको काफ़ी अच्छी फोटोज देता है, डायनेमिक रेंज, एक्सपोजर, मेंटेनेंस, डिटेल्स भी अच्छी हैं और अच्छा फोकस भी कर लेता है। लेकिन बाकी जो 3 कैमरे हैं अल्ट्रा वाइड और 2-2 मेगापिक्सल के, 2-2 मेगापिक्सल की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, बहुत ही खराब क्वालिटी है। डे टाइम में भी उनकी बिल्कुल डिटेल नहीं आती, कहीं पे भी आप उसे पोस्ट नहीं कर सकते। बट अल्ट्रा वाइड में भी हल्की सी डिटेल कम हो जाती है, आप नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में अगर फोटोज लेते हो तो डिटेल बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाती है। तो कैमरे को मैं यही कहूँगा कि जो सेल्फी कैमरा है सबसे बेस्ट देखने को मिलता है इस प्राइस में 15,000 रुपये में। अगर सेल्फी कैमरा आप ढूंढ रहे हो इससे बढ़िया कोई नहीं है, एंड 64 मेगापिक्सल मेन सर काफी अच्छा काम करता है। बाकी जो 3 कैमरे पीछे दिए हुए हैं वो सिर्फ सजावट के लिए हैं, इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल इस रिव्यू को मैं सबमिट करूं तो 4 चीजें जो हैं जो इस फोन की काफी कमाल की हैं एंड जिनको भी लेना है और अगर उन्हें 4 चीजें पसंद आती हैं तो आपके लिए फोन बनाए। सबसे पहले इसकी बैटरी लाइफ, बिल्कुल आराम से आप 1.5 दिन चला सकते हो अगर आप गेमिंग नहीं करते, जो कि इसमें होने वाली नहीं। नेक्स्ट थिंग, इसका जो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो सबसे बेस्ट है इस प्राइस में। इवन आपको यहाँ पे जो 1 UI देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, और इसकी जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कमाल की ब्राइटनेस है। अगर ये वाटर ड्रॉप नॉच आप हटा दो तो सबसे बेस्ट डिस्प्ले होगी इस प्राइस में। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको ये पसंद आती है तो आपके लिए फ़ोन बना है। लेकिन मैं सिंपल ये कहूँगा कि ये फ़ोन सैमसंग की तरफ से, अगर आप एक नॉन चाइनीज ऑप्शन देख रहे हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ये फ़ोन सस्ता हो सकता था, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, कोई भी आपको ड्यूल स्पीकर नहीं है, और सिंगल स्पीकर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। हेडफोन जैक की क्वालिटी अच्छी है लेकिन स्पीकर की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। पूरा प्लास्टिक का बना हुआ फ़ोन है ये, वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है। यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर, कोई भी टेम्पर्ड ग्लास बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो कॉस्ट कटिंग भी भर भर के की है, और टुच्चे टुच्चे ऐप्स इन्होंने पार्टनरशिप भी बहुत कमाल की है। MX टकाटक, जोश, मौज, ऐसे बायजूस, ऐसे ढेर सारे ऐप्स हैं इन्होंने पार्टनरशिप की है। डेफिनेटली उन लोगों से पैसे तो कमाए होंगे सैमसंग ने। एंड आई थिंक ये 13,000 रुपये में जो 4GB वाला वेरियंट, जो 4GB रैम वाला वेरियंट है, आई थिंक 13,000 रुपये में अगर आता तो बहुत एक परफेक्ट फोन होता। तो अगर कॉस्ट कटिंग देखी जाए तो डेफिनेटली ये फोन काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहा है, एंड उन चीज़ों को भी कर रहा है जो बेसिक थिंग्स होती हैं। फास्ट चार्जर और बढ़िया दे सकता था, जो 22 वॉट का आता है सैमसंग का, वो भी यहाँ पे नहीं दिया है। तो आई थिंक 15,000 में अगर आप कंपटीशन देखोगे तो कॉस्ट कटिंग बहुत है, लेकिन जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आपको पसंद आती हैं इस फोन में तो डेफिनेटली ये फोन आप लोगों की बना है। इस तरीके के बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यूज़ मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों की बनाता रहूँ, तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट से ही अपने लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक वीडियो पसंद आई है, एंड तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब किए बिना, बेल आइकन कॉल किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस फोन से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल रह गया या वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ रोल।